तो आइए दोस्तों, आज हो गया 28 जनवरी दिन गुरुवार। तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे, बिहार में 50 साल से ऊपर के कर्मी हटाए जाएंगे। राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। साथ ही आपको बताएंगे, नीतीश राज्य में जेल से धंधा कर रहे हैं शराब माफिया। फिर बड़ी खबर बताएंगे, राज्य में दर्जनों पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए 40 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। साथ ही आपको बताएंगे, राज्य में एफआईआर करने के लिए अब थाना जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से कर सकते हैं एफआईआर। 42 महीने के अंदर तैयार होगा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया। अब मुंबई और दिल्ली में भी मिलेगा बिहार का नक्शा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार महावीर पुरस्कार के लिए चयनित। बिहार के 96,000 आईटीआई छात्र पहली बार देंगे ऑनलाइन परीक्षा। बिहार में बीजेपी एमएलए ने पास की बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा। 31 जनवरी से 5 दिन कोरोना वैक्सीन को किनारे कर पोलियो की 2 बूंद मिलेगी। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार के किस विभाग में 1448 में 1057 पद खाली। फिर आपको बड़ी खबर बताएंगे, बीजेपी प्रवक्ता को अपराधियों ने मारी। और अंत में आपको बड़ी खबर बताएंगे, लालू यादव के करीबी सहित आरजेडी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को फटाफट से एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, बिहार में 50 साल से ऊपर के कर्मी हटाए जाएंगे। अफसरों और सिपाहियों को जबरन रिटायरमेंट देने के लिए नीतीश सरकार ने बनाई कमेटी। जी हां, बिहार में अब 50 साल से ऊपर के अक्षम सरकारी कर्मी हटाए जाएंगे। काम करने में सक्षम नहीं है नीतीश सरकार ने उनके कार्यकलापों की समीक्षा के लिए नीति निर्धारित कर दी है। नीतीश सरकार ने इस काम के लिए एक कमेटी की गठित की है। 3 सदस्यों और 4 सदस्यों की 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। बिहार सरकार के अधीन 50 वर्ष से ज्यादा अक्षम सरकारी सेवक हटाए जाएंगे। बड़ी खबर, राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 94,000 पदों पर बहाली का रास्ता साफ, जल्द ही जारी होगी काउंसलिंग। जी हां, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग बहुत जल्द ही ओपन कैंप काउंसलिंग की डेट जारी करने जा रही है। नियोजित शिक्षकों की वर्तमान बहाली प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 2 दिन के अंदर विभाग नियोजित शिक्षकों के बहाली प्रक्रिया पर फैसला लेगा और ये फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में होगा। अगली बड़ी खबर, एफआईआर करने के लिए अब थाना जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही सनहा और प्राथमिकी दर्ज करेगी बिहार पुलिस। जी हां, बिहार पुलिस ने आम लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस काम के लिए आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। दरअसल एफआईआर या सनहा बिहार पुलिस अब मोबाइल से ही दर्ज कर लेगी, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी और उन्हें पुलिस की इस नई व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। लोगों की बाइक या मोबाइल चोरी हो जाएगी, उन्हें इसका एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पर्स गुम होने की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए फरियादियों को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बिहार पुलिस अब व्हाट्सएप के जरिए ही आवेदन लेगी और प्राथमिकी या सनहा दर्ज करेगी। आपको बता दें कि किसी भी आवेदक को एप्लीकेशन के साथ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पूरा घटनाक्रम लिखकर भेजना होगा। जब आवेदक व्हाट्सएप के जरिए इन सारी जानकारियों के साथ अपना आवेदन भेजेगा तो उसके बाद आईजी और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से आवेदन की मॉनिटरिंग होगी। तिरहुत रेंज के आईजी ने पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत व्हाट्सएप नंबर 7070201201 जारी किया है। इस पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिलों के आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अब मुंबई और दिल्ली में भी मिलेगा बिहार का नक्शा, यहाँ लगाया गया है प्लाटर मशीन। जी हाँ, अब आपको जमीन के नक्शा के लिए पटना के गुलजार बाग प्रेस नहीं आना पड़ेगा। अब आज के जिले का नक्शा दूसरे जिले से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दिल्ली और मुंबई में भी बिहार का नक्शा ले सकते हैं। बिहार के 34 जिलों के सदर अंचल से आप 150 रुपये प्रति सीट देकर जमीन का नक्शा ले सकते हैं। इसके साथ ही बिहार से बाहर 2 स्थान पर बिहार से जुड़े नक्शे लेने की व्यवस्था की गई है। पहला कुर्ला बांद्रा मुंबई से और दूसरा बिहार भवन दिल्ली से। इन दोनों स्थानों पर प्लाटर मशीन लगाई गई है, जहां से आप बिहार का नक्शा निकलवा सकते हैं।
बिहार के 96,000 ITI छात्र पहली बार देंगे ऑनलाइन परीक्षा। जहां बिहार सहित देश भर में इस बार औद्योगिक परीक्षण संस्थान के लाखों छात्र ऑनलाइन परीक्षा देंगे। इतने बड़े पैमाने पर यह परीक्षा पहली बार होगी। राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी में श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी जुट गए हैं। राज्य को परीक्षा के लिए 4,000 कंप्यूटर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके लिए बिहार कौशल विकास मशीन की भी मदद ली जा रही है। तय कार्यक्रम के हिसाब से पहले चरण में 28 और 29 जनवरी को दो पालियों में राज्य में 16,000 छात्रों को परीक्षा देनी है। उसके बाद बाकी की परीक्षा कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ता को अपराधियों ने मारी गोली, अजपर शमसी को गंभीर स्थिति में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी प्रवक्ता को गोली मार दिया है। उन्हें गंभीर स्थिति में एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह घटना जमालपुर कॉलेज के पास की है। घटना के बारे बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता अजपर शमसी कहीं जा रहे थे, इस दौरान ही अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिया। गोली की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों ने क्यों गोली मारी है। अगली बड़ी खबर, भागलपुर में अचानक दर्जनों पक्षियों की मौत, बर्ड फ्लू की आशंका से दशहत में लोग। भागलपुर के नाथ नगर प्रखंड के दिग्गी गांव में एक साथ दर्जनों पक्षियों की मौत से इलाके में दशहत का माहौल है। अचानक पक्षियों की मौत के बाद से लोग कई तरह की आशंका जता रहे हैं। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साथ दर्जनों पक्षियों की मौत के बाद नाथ नगर के BDO शिवशंकर राय ने इस बात की जानकारी स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य के कई जिलों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का मामला सामने आया था। वहीं दिग्गी गांव में एक साथ कई पक्षियों की मौत का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए 40 नेताओं को मिले जिम्मेदारी, RJD ने जारी किया लिस्ट। 30 जनवरी को बिहार में किसानों के समर्थन और कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला बनने वाला है। इस श्रृंखला को सफल बनाने के लिए RJD के कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदादन सिंह ने बताया कि 40 नेताओं को कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया है। सभी प्रभारियों पर पार्टी द्वारा तय किए गए सभी कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। इस मानव श्रृंखला को लेकर तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आज तक कोई भी मानव श्रृंखला सफल नहीं हुआ, इसलिए इसको सफल करने के लिए RJD के नेताओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बिहार के इस विभाग में 1448 में 1057 पद खाली, पुष्पम प्रिया ने पूछा वैकेंसी कब निकालेगी बिहार सरकार। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के बाद राज्य में रोजगार के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इधर बिहार के मत्स्य विभाग में 1448 में 1057 पद खाली है। इसको लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। मत्स्य विभाग रिक्तियों के संबंध में दावा भी पुष्पम प्रिया ने ही कहा है। उन्होंने ट्वीट किया 1448 में 1057 पद खाली, मछली उत्पादन के अपार संभावनाओं और रोजगार के बड़े साधन होने के बावजूद बिहार में नीली क्रांति फेल, काबिल युवा बेरोजगार क्यों। पुरुलस पार्टी की RTI पड़ताल से दिख गया कि मत्स्य विभाग में अधिकारी से लेकर लिपिक तक के लगभग सभी पद वर्षों से खाली पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, लालू यादव के करीबी सहित RJD और कांग्रेस के कई दिग्गज BJP में हुए शामिल, भूपेंद्र यादव ने पार्टी की दिलाई सदस्यता। बिहार की सियासत के कई नामचीन चेहरे बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। इनमें सबसे प्रमुख चेहरा राजद के पूर्व सांसद सीताराम यादव हैं, जिन्हें लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है। इसके अलावा राजद के पूर्व सांसद रामदेव मांझी, पूर्व विधायक सुबोध पासवान, राजद के पूर्व विधायक दिलीप यादव, राजद के पूर्व महासचिव संतोष मेहता सहित कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कई नेता और कांग्रेस के कई नेता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सभी को बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में संजय जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाया गया।
अगली बड़ी खबर फरवरी से शुरू हो जाएगा गंगा पर नए पुल का निर्माण, 18,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यहाँ महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल का निर्माण कार्य फरवरी में शुरू हो जाएगा। 14.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 1,794 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च होंगे। पुल का निर्माण शुरू होने से पहले पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को गायघाट परियोजना स्थल पर जाकर इसका निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, पटना के महापौर सीता साहू और पथ निर्माण के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, वेतन भी वसूला जाएगा। जी हां, 2006 से 2005 तक नियोजित हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच अभी तक नहीं हो पाई है उन्हें अपना प्रमाण पत्र स्वयं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी और वेतन भी वसूली होगी। आपको बता दें वर्ष 2015 में निगरानी विभाग को शिक्षक नियोजन में चयनित शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 5 साल से अधिक दिनों से यह जांच चल रही है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार महावीर पुरस्कार के लिए चयनित, चेन्नई में राज्यपाल करेंगे सम्मान। बिहार की राजधानी पटना स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। यह पुरस्कार 29 जनवरी को चेन्नई में एक समारोह में कुमार को प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और वही पुरस्कार प्रदान करेंगे। नीतीश राज में जेल से धंधा कर रहे शराब माफिया, मामले का खुलासा होते ही प्रशासन की ओर। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 5 साल का समय बीत गया, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई जिलों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जा रही है। सूबे में एक ऐसा मामले का खुलासा हुआ है जिससे नीतीश सरकार की नींद उड़ गई है। राज्य के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले से शराब का सिंडिकेट चलाने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी पुलिस ने जिले में बंद कुख्यात अपराधी पर जेल से ही शराब का सिंडिकेट चलाने की प्राथमिकी दर्ज की है। कांटी थाने की पुलिस ने जेल में मोबाइल से शराब का सिंडिकेट चलाने का दावा किया है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार करने जा रही है 538 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, बिहार सरकार जल्द ही डेटा ऑपरेटर की बहाली करने जा रही है। राज्य सरकार योजनाओं का लाभ लोगों तक समय से पहुंचे इसको लेकर सभी प्रखंडों में एक एक हेल्प डेस्क और हर जिला में एक सामाजिक सुरक्षा कोषांग बनाने का निर्णय लिया गया है, जहां लोगों की शिकायतों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर व 38 कार्यालय सहायकों की संविदा पर नियुक्ति होगी। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।